मैंने अभी तक के सारे रिकॉर्डिंग्स भेज दिए हैं क्षमा माता जी ने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए होंगे तो सारे रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है एक से लेकर ग्यारह तक के आज बार बोले साथ साथ मैं ना प्लेलिस्ट भी डाल दी है में। अरे आपका बन गया तो मुझे तो भी शेयर करे माता जी प्ले लिस्ट मुझे भी शेयर करे मेरे पास तो नहीं माता जी मैं भी कर दी जी जी धन्यवाद बहुत बहुत अच्छे हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी प्रणाम हरे कृष्ण तो चलिए हम बारहवा अध्याय देखने वाले हैं आज ग्यारहवें अध्याय में हमने देखा था विराट रूप दर्शन भगवान का है ना बहुत अत्यंत अद्भुत ऐसा रूप हमने देखा था जिसमें सारे देवी देवता वहीं पर उपस्थित थे और भगवान ने अनेक रूप दिखाए अनेक मुख अनेक उदर अनेक हाथ पाव और अनेक शस्त्र लिए हुए ऐसा वो रूप अद्भुत रूप अर्जुन को दिखाया और उसमें सबसे भयानक रूप था काल स्वरूप है ना जिस मुख में सारे ही योद्धा खींचे जा रहे थे और उनके दांतों के तले चूर्ण हो रहे थे और भगवान ने बताया कि ये सब लोग तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं अर्जुन तो तुमको केवल निमित्त मात्र बनना है निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन है ना तुम्हे केवल निमित्त मात्र बनना है तुम्हें केवल मतलब ये क्रेडिट देने के लिए मैं तुम्हें आवाहन कर रहा हूँ कि तुम युद्ध करो अन्यथा मैंने तो ये युद्ध का आ, कौन मरना है कौन जीना है ये तो डिसीजन पहले ही हो गया और पहले ही मेरे द्वारा वे सारे मारे जा चुके हैं तुम केवल निमित्त मात्र बनो कृपया म्यूट करें सब लोग माताजी जरा देखेंगे आप तो इस प्रकार हमने देखा था और फिर आखिरी में भगवान ने क्या बताया था क्या करना चाहिए मेरी भक्ति के लिए क्या बताया था आ, मत कर्मकृत मत परमो मत भावा संग वर्चिता निर्वैर सर्वभूतेशु यह समय यह एक लाइन भूल गई मैं चलिए तो यानी मत मत कर्मकृत मत परमो ये बताया था कि मेरे लिए कार्य करो सारे कार्य जो है मुझे अर्पित करते हुए करो इसके पहले भी हमने एक अध्याय में देखा था यद करोशी यद अश्नासी यज्जुघोषी ददासी यद यद तपस्यासी कौनते यद तत् कुरुष्व मद अर्पणम यानी सारे कार्य मुझे अर्पण करते हुए करो तब तुम्हें ना तो कोई कर्म बंधन उत्पन्न होगा और ना ही कोई पाप लगेगा है ना इस प्रकार से भगवान ने बताया हुआ है बार बार तो आगे बढ़ते हैं हम आज का ग्यारहवा अध्याय सॉरी बारवा अध्याय मैं शेयर करती हूँ और फिर मंगलाचरण करती हूँ okay. okay. ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओं अज्ञानतिरांध्य ज्ञानांजनशलाकया चुर्मीत येन तस्म श्रीगुरव नम श्रीचतन्यमोष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदमयहम ददाति स्वपदान्तिकम वन्देहम श्री गुरु श्री युतपदकमलम श्री गुरुन वैष्णवास्य श्री रूपम सागरजातम सहगणदकुनात्थान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगणदलिता श्री विशाखां्वितांशय हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदवेशरि वृषभानुसुते देवी प्रणमा हरिप्रिए नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठा भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिनि नामस्ते सारस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणि निर्विशेषाय शून्यवादे पाश्चात्यदिशतारिणि जय श्रीकृष्णा जय तन्या प्रभो नित्यानंदा श्रीअद्वगदाधर श्रीवासदी गौरभक्तवृंदा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा सभी को चलिए हम देखेंगे आज इस आखिरी अध्याय में भक्ति योग के आखिरी अध्याय में भगवान हमें क्या बता रहे हैं तो इस अध्याय का नाम है भक्ति योग अर्थात डिवोशनल सर्विस प्रभुपाद ने भक्ति को डिवोशनल सर्विस कहा है क्यों केवल डिवोशन यानी ये नहीं कि हम बने रहे नहीं ये सर्विस है, है ना भगवान की सेवा है ये तो इस प्रकार भक्ति को सेवा में प्रभुपाद जी ने बताया हुआ ये भक्ति में सेवा कैसे करे भक्ति योग कैसे करे तो इसका इस अध्याय की शुरुआत होती है अर्जुन के प्रश्न से अर्जुन बोलते हैं अर्जुन उवाच एवं उततुक्ता अर्जुन ने पूछा जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण यानी सिद्ध माना जाए तो दो प्रकार के भक्त तो होते हैं कैसे हैं जो एक है जो आ, आपकी सेवा में सदैव तत्पर है और दूसरा जो है वो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं वो भगवान के अर्च विग्रह की पूजा नहीं करते वो निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं तो इन दोनों में से कौन अधिक श्रेष्ठ है ये पूछ रहे हैं ये है निर्विशेषवादियों का आ, आ, मतलब जो आ, उनका भक्ति का स्थान निर्विशेष ब्रह्म जैसे सूरज की किरणें है ना उसमें कोई मूर्ति नहीं उसको कोई आकार नहीं है ना कोई रूप नहीं और भक्त किसकी सेवा करते हैं भक्त है श्याम सुंदर कृष्ण की सेवा करते हैं उनका रूप है सुंदर सा रूप है उनकी विविध गुण है उनके विविध लीलाएं हैं है ना और उनके अनेक नाम हैं ऐसे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं सेवा करते हैं तो ये दो प्रकार के लोग हुए जो आपकी सेवा में सदैव लगे रहते हैं और दूसरे जो निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं इनमें से श्रेष्ठ कौन है कृष्ण ऐसा अर्जुन का प्रश्न है तो प्रभुपाद जी लिखते हैं सामान्यतः अध्यात्मवादियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है एक है निर्विशेषवादी और दूसरे है सगुणवादी सगुणवादी भक्त अपनी संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर की सेवा करते हैं निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करते हैं किंतु प्रत्यक्ष रूप से ना करके वह अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करते हैं इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य के अनुभूति की विविध विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है भगवान स्वयं बताते हैं बार बार बताते हैं गीता में कि भक्ति योग ही सर्वोत्कृष्ट है यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुण वादी कहलाते हैं जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे वादी कहलाते हैं यहाँ पर अर्जुन पूछते हैं कि इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों में श्रेष्ठ बताते हैं तो परम सत्य की सेवा करने के लिए परम सत्य को जानने के लिए अनेक रास्ते हैं जैसे अनेक रास्ते दिल्ली को जाते हैं किंतु सबसे सबसे सरल रास्ता सबसे अच्छा रास्ता एकदम हाईवे टॉप मोस्ट क्वालिटी का हाईवे और सबसे शॉर्टेस्ट शौर्टे, शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा है ये हम जानने की कोशिश करते हैं ना कहीं भी जाते हैं तो वैसे ही हमारे यात्रा में हम जब भक्ति में लग, ना, ना, मतलब ये परम की परम की सत्य के साक्षात्कार के लिए हम अगर उत्सुक है तो हमने ये जानना आवश्यक है कि सबसे आसान कौन सा है सबसे सुखमय रास्ता कौन सा है और कौन मुझे जल्दी से जल्दी भगवान भगवत प्राप्ति करवा सकता है तो वो है भक्ति योग है ना तो सबसे आसान सबसे सुखमय और सबसे जल्दी भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति योग करो ये भगवान बार बार बताते हैं श्री भगवान वाच मैया वेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर युक्त तमाम श्री भगवान ने कहा जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं एक भक्त कैसे भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं ये सेवा है है ना श्रृंगार सेवा है ना फिर उनको भोग चढ़ाना ये एक सेवा है ना और उनकी आरती करना उनकी स्तुति करना ये सेवा तो अलग अलग माध्यम से हम भगवान की सेवा करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं उनकी प्रत्यक्ष उनको श्रृंगार कराया जा रहा है है ना जैसे कि एक व्यक्ति श्रृंगार करके प्रसन्न होता है वैसे ही भगवान भी प्रसन्न होते हैं तो उनके श्रृंगार में ये लोग दो दो तीन तीन घंटे लगाते हैं पुजारी जो रहते हैं इस कौन के दो दो तीन तीन घंटे लगा के इतना सुंदर श्रृंगार करते हैं और एक बार नहीं दिन में ऐसे दो तीन बार करते हैं हम्म तो भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे लोग मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं एकाग्र मन से साकार रूप में ध्यान लगाते हैं साकार रूप की पूजा करते हैं आगे बढ़ते हैं लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य के निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्ति की पूरी तरह से पूजा करते हैं जो इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं सर्वव्यापी है अकल्पनीय है अपरिवर्तनीय है अचल तथा ध्रुव है वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं तो ये भी रास्ता मेरे तरफ ही आता है भगवान बोल रहे हैं निराकार जो अकल्पनीय है सर्वव्यापी है अपरिवर्तनीय है तो ऐसे की पूजा करना भी वो भी रास्ता मेरे तरफ ही आता है किंतु किंतु क्या है भगवान बता रहे हैं क्लेशोधिक अव्यक्ता सत चेतसा अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्धि जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है तो ये नहीं कि वो रास्ता मेरी तरफ नहीं आता आता है लेकिन है रास्ता बड़ा ही कठिन उसमें बहुत बार आ, कुछ प्रगति करने के बाद वो व्यक्ति का पतन भी हो सकता है हम अत्यंत कष्टप्रद है और क्यों क्योंकि हम देहधारी है तो हम अव्यक्त की कल्पना करें उसकी पूजा करें ये हमारे लिए बहुत दुष्कर है बहुत कठिन होता है ये तो सर्वाणी कर्माणी मही सन्यस्य मत पर अन्य नोगे नेश मृत्यु संसार सागरा भवामी न पार्थ मैयावेशित चेत साम जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ ये चित्र हमने इसके पहले भी देखा था कौन से श्लोक में दैवी हे शा गुणमयी मम माया मामे मायाम मा प्रपद इस श्लोक में भी यही पिक्चर देखा था और यहाँ पर भी भगवान बता रहे हैं कि तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात है ना उसका मैं उद्धार करता हूँ मृत्यु संसार के सागर से ये भव सागर है और हम सारे ही उसमें गोते लगा रहे हैं है ना देवताओं से लेकर बिल्कुल निम्न श्रेणी तक के जो भी योनी है सब लोग हम इसमें गोते लगा रहे हैं और ना को, कहीं भी किनारा नहीं दिखता और कोई हमारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि सारे ही इसी में डूब रहे हैं तो हमारी मदद कौन कर सकता है केवल भगवान कर सकते हैं तो उसके लिए करना क्या है हमें हमें उनके शरणागत होना है उनसे सहायता मांगना है उनको सारे ही अपने कार्य अर्पित करना है और तब भगवान हमें सहारा देकर समुद्धरता तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर मृत्यु संसार के इस सागर से जन्म मृत्यु के इस चक्कर से हमें भगवान मुक्ति दिलाएंगे हम्म तो ये तो, मतलब ये ध्यान में रखने वाली बात है कि हमें अगर मृत्यु संसार के सागर से निकलना है जो है दुखालयम अशाश्वतम इसका वर्णन कैसे कै, किया है भगवान ने भौतिक जगत का दुखालयम अशाश्वतम ये दुखों का है है जैसे देवालय ना और विद्यालय विद्या में क्या होता है विद्या मिलती है हमें लेकिन दुखालय ले में क्या मिलेगा दुख मिलेगा तो इसको तो डिफाइन ही किया है भगवान ने इस भौतिक जगत को दुखालयम अशाश्वतम टेम्पररी है ये जगत है ना तो इस जगत से अगर हमको परमानेंट जगह पर जहां पर दुख है ही नहीं ऐसे जगत में जाना है तो क्या करना पड़ेगा है ना ये करना पड़ेगा सारे कार्यों को मुझ में अर्पित कर, करो और अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए पूजा करो तब हमारा चित्त उन पर स्थिर हो जाएगा और तब वे हमें इस मृत्यु संसार के सागर से निकाल लेंगे है ना तो ये बड़ा ही अच्छा है भक्ति योग आगे बढ़ाने के लिए विधि अब यहाँ से भगवान अलग अलग लेवल्स बता रहे हैं भक्ति भक्तों के हाँ किस प्रकार भक्त टॉप श्रेणी है उसके दुयम है उसका और तीसरे स्टेप पर है और वे कैसे प्रगति कर सकते हैं हुँ? तो ये हुई टॉप मोस्ट लेवल की भक्ति यहाँ पर जो दी है कौन सी मई मन आधस्व मई बुद्धिष्यसी मई अत ऊर्धव न संशय मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ इस प्रकार तुम मुझ में सदैव वास करोगे तो इसे कहा जाता है अनन्य अनन्य भक्ति भक्ति है है कहा जाता है जिसमें हम भगवान में अपने चित्त को स्थिर करते हैं सारी बुद्धि भी उनमें लगाते हैं हा? और इस प्रकार हम उनमें ही नित्य वास करते हैं हर चीज उनको ही अर्पित करते हुए करते यहाँ पर हम किसे देख रहे हैं सारे गोप दोस्त है इनके कृष्ण के और सबका ध्यान है कृष्ण की ओर जो भी कर रहे हैं ध्यान उनका कृष्ण की ओर खा भी रहे तो पहले कृष्ण को दे करके कृष्ण ये भी चखो कृष्ण ये देखो मैंने क्या लाया है इसे खाओ इस प्रकार कृष्ण 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 उनको देखते हुए खाते हैं उनको देखते हुए खेलते हैं सब कुछ उनकी क्रियाएं जो है सेंटर्ड है भगवान की इर्द गिर्द तो ये टॉपमोस्ट लेवल के भक्त है गोप और गोपिया है ना अनन्य भक्त है ठीक है तो गोपियों को भी हमने देखा कि वे पूरी तरह से कृष्ण के लिए कृष्ण के लिए श्रृंगार करेगी कृष्ण के लिए खाना बनाएगी कृष्ण के ही बारे में सोचेगी और बदले में कृष्ण से कोई अपेक्षा नहीं ये सबसे बड़ी बात है हाँ कृष्ण से अपेक्षा रखोगे तो ये तो सकाम भक्ति हुई वो नहीं निष्काम भक्ति तो जो कुछ करना है कृष्ण के लिए इस प्रकार हम अनन्य भक्त बन सकते आगे बढ़ते हैं न धनंजय हे अर्जुन हे धनंजय यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्तियोग के विधि विधानों का पालन करो इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो तो हम्म क्या क्या करना है विधि विधान अर्च विग्रह की पूजा करो अर्च विग्रह के लिए कीर्तन करो, उनका नाम स्मरण करो है ना उनके बारे में ही बातें करो तो ये सारे विधि विधान जब हम पालन करते हुए जाएंगे तो धीरे 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 हमारा चित्त उनमें स्थिर हो जाएगा तो इसे कौन सी भक्ति कहते हैं साधना भक्ति टॉप मोस्ट लेवल की अनन्य भक्ति उसके बाद साधना भक्ति जिसमें हम सारे विधि विधानों का पालन करते हैं जो कृष्ण को प्रिय नहीं वो नहीं करेंगे जैसे हम मांसाहार नहीं करेंगे है ना और जो जो कृष्ण को अर्पित करते हैं उतना ही खाएंगे चार रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स कौन से कौन से हैं नो मीट ईटिंग नो गैम्बलिंग नो अल्कोहल मींस नो नशा नहीं कर सकते और विवाह बाह्य संबंध नहीं रख सकते तो ये चार रेगुलेटिव प्रिंसिपल तो बेसिक है इस विधि विधानों में बेसिक उसके बाद और ऊपर हम प्याज लहसुन छोड़ देते हैं चाय कॉफी छोड़ देते हैं क्यों क्योंकि चाय कॉफी में भी थोड़ा सा नशा होता है और प्याज और लहसुन ये तामसिक वृत्ति के होते हैं ठीक है तो ये विधि विधानों का बेसिक वो है उसके बाद सारे ही श्रवणम कीर्तनम स्मरणम है ना अर्चनम वंदनम दास पाद सेवनम ये सारे विधि विधान हम पालन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं अनन्य भक्त बन सकते हैं आगे बढ़ते हैं अभ्यासेपि समर्थोसि मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि पूर्वं सिद्धिं अवाप्स्यसि यदि तुम भक्ति योग के विधिविदानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था यानी सिद्धि को प्राप्त होगे यहाँ पर क्या कर रहा है एक व्यक्ति ये जो है, जो है उसका कौशल है जो उसके उसके पास कुशलता है जिस फील्ड फील्ड में उस से वो भगवान की सेवा कर रहा है निष्काम उसको उसके रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए ये एक मंदिर बन रहा है उसका कुछ पार्ट वो खुद से बना रहा है है ना उसके लिए श्रम के लिए कुछ ना, वो नहीं लेगा वो उसका पैसा नहीं लेगा और इस प्रकार वो निष्काम करेगा है ना मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो हा? ये हुआ तीसरा स्टेप इसे कहते हैं निष्काम कर्मयोग पहला है अनन्य भक्ति दूसरा है साधना भक्ति तीसरा है निष्काम कर्म योग अलग अलग स्टेप्स भगवान बता रहे हैं फिर इस इसके लिए हम एक छोटा सा अध्याय का श्लोक देखते हैं नव्य अध्याय में बताया था यद करोशी या या ददासी कौंते हे कुंती पुत्र तुम जो कुछ करते हो जो कुछ खाते हो जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो ये हमने अध्याय में देखा था अध्याय में ये भी देखा था पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तिया प्रयचती भक्ति है ना तो ये सब क्यों क्यों बताया था भगवान ने कि जो मतलब निष्काम कर्मयोग के प्रति कैसे हम आ, आगे बढ़ सकते हैं ठीक है तो यद करो श्री जो भी करो जो भी खाओ जो भी अर्पित करो जो दान करो सब कुछ मुझे अर्पित करते हुए करो तो ये हुआ निष्काम कर्मयोग के प्रति इसके बाद ये भी नहीं कर सकते कोई बात नहीं कहते भगवान कितने दयालु हैं हमें अलग, अलग 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 स्टेप्स में बता रहे हैं तो तुम ये करो वो नहीं कर सकते ठीक है ये कर लो ये भी नहीं कर सकते ओके ये कर लो एक 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 लेवल भगवान बताते जा रहे हैं अब आगे क्या बोल रहे हैं अथई तदप्य शक्तो कर्तुम मध्योग आश्रिता सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरुयतात्मवान अगर हालांकि आप इस चेतना में काम करने में असमर्थ है तो अपने काम के सभी परिणामों को त्याग देने की कोशिश करें और आत्मस्थित होने की कोशिश करें सब कर्म फलों को त्याग दें यानी यहां पर तो निष्काम कर्म था इसके पहले निष्काम कर्म यानी उस उसके प्रति फल के प्रति आसक्ति ही छोड़ दी थी फल ही छो, छोड़ दिए थे लेकिन यहाँ पर फल तो चाहिए जैसे हम ऑफिस में काम कर रहे हैं ये तो नहीं हो सकता कि हम उसका रेमिनेशन ही ना लें ये नहीं हो सकता लेकिन फिर क्या करें तो हम उसमें से जो कुछ मिलता है उसका कुछ पार्ट तो भी भगवान के लिए अर्पित करे भगवान के लिए रिजर्व रखे कि उतना पाठ तो मुझे देना ही अपना परिवार चलाना है तो हम पूरा पैसा तो नहीं दे सकते पूरा धन तो नहीं दे सकते लेकिन थोड़ा कुछ दे तो यहाँ पर जैसे जब कृष्ण का जन्म हुआ था नंदलाल ने नंद बाबा ने देखिए बहुत दान पुण्य किया था हा? तो ये दान पुण्य करके वे एक प्रकार से भगवान की सेवा कर रहे हैं तो ये हुआ सकाम कर्म इसके बदले उन्होंने आ, मतलब सकाम कर्म कुछ प्राप्त करना है लेकिन उसमें से कुछ तो भगवान के लिए है श्रेयो श्रेय ज्ञानम अभ्यास ज्ञान्य ध्याना कर्म फल त्यागस त्यागा शांतिर अनंतरम। यदि आप इस अभ्यास में भी नहीं जा सकते हैं तो अपने आप को ज्ञान में संलग्न करें ज्ञान से बेहतर हालांकि ध्यान है और ध्यान से बेहतर काम के फल का त्याग है इस तरह से इस तरह के त्याग से मन को शांति मिल सकती है तो भगवान क्या बता रहे हैं ठीक है आप सकाम कर्म भी नहीं कर सकते तो फिर क्या करो तो फिर ज्ञान ध्यान ये करो है ना ध्यान उच्च है उसके बाद ज्ञान है उस, उसके मतलब हमने जो निष्काम कर्म योग देखा था वो इस प्रकार का है इस आ, 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 फल फल बेचने वाली एक महिला है उसने क्या किया था कृष्ण को दिए थे जैसे ए, पहले समय में पैसे का लेन देन नहीं होता था कुछ वस्तुएं देकर दूसरी वस्तुएं खरीदी जाती थी एक्सचेंज में तो वैसे क्या किया था नंद नंद महाराज और यशोदा मैया ने कुछ फल खरीदे थे उस महिला को कुछ धान देकर कुछ अन्न देकर के फल लिए थे तो कृष्ण की इच्छा हुई मैं भी लूंगा तो वो गए अपने गोदाम में गए और थोड़ी सी मुठ्ठी भर के छोटी छोटी भर के उन्होंने चावल के दाने लाए लेकिन हुआ क्या कि वहां आते आते सारे चावल उनके मुट्ठी से फिसल गए दो तीन चावल के दाने बचे रहे तो उन्होंने जाकर के वो टोकने में डाला और फिर रुआ से हो गए कि अरे मेरे हाथ में तो इतने दो तीन ही दाने इसमें गिरे हुए हैं तो जो महिला थी फल बेचने वाली उसने क्या किया वो बोली कोई बात नहीं कहा ना तुम सारे फल ले लो मेरे हाँ तो इतने सारे फल कृष्ण को दिए और केवल दो तीन दाने चावल के बदले और फिर कृष्ण ने क्या किया था सारी टोकनी भर गई थी ज्वेल्स से है ना रत्नों से उनकी टोकनी भर दी थी इस प्रकार ये ये ये, ये हुआ था आ, आव, मतलब कुछ बदले में लिया था उसने लेकिन प्यार से उनको सब कुछ दे दिया था अपने पास का तो इससे लेकिन ध्यान श्रेष्ठ बोला है और ध्यान से इससे हाँ, ध्याना, ध्यान है इससे इससे मतलब ज्ञान से बेहतर ध्यान है और ध्यान से बेहतर ये कर्म है जो कृष्ण के लिए वो कर रही है है ना फिर आगे देखते हैं इसे बोलते हैं ज्ञान ध्यान और ये तो निष्काम कर्म सॉरी सकाम कर्म हुआ है ठीक है तो पांचवे लेवल पर आया ध्यान और छठे लेवल पर आया ज्ञान पहला अनन्य भक्ति दूसरा साधना भक्ति तीसरा निष्काम कर्म योग चौथा सकाम कर्म योग पांचवा ध्यान और छठा हुआ ज्ञान ठीक है ये स्टेप्स भगवान ने बताई है इस अध्याय में अब बाद में तेरह से लेकर बीसवे श्लोक तक आठ श्लोक है वो तो उसे कहते हैं प्रियाष्टक उसमें भगवान ने बताया है कि कैसा भक्त उन्हें अत्यंत प्रिय है तो तेरह से लेकर के बीस तक के श्लोक है प्रियाष्टक तो भगवान बोलते हैं मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापो पर आश्रित नहीं है जो शुद्ध है दक्ष है चिंता रहित है समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता मुझे अत्यंत प्रिय है तो ऐसे गुण बताए हैं भगवान ने कि कैसा भक्त उन्हें अत्यंत प्रिय है यहाँ पर हम देखते हैं सुदामा है ना सुदामा को उनकी पत्नी बोल रही थी जाओ तुम और अपने मित्र से कुछ प्राप्त करो क्योंकि हमारी इतनी गरीबी हो गई है बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए भी नहीं है लेकिन ये चिंता रहित थे इनको किसी प्रकार की चिंता नहीं थी हाँ और वे सामान्य कार्यकलाप यानी रोजमर्रा के इसमें वो आश्रित ही नहीं थे इस प्रकार ऐसा भक्त जो है भगवान बोलते हैं मुझे अत्यंत प्रिय है। फिर आगे भगवान बोलते हैं जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है जो सुख दुख में समभाव रखता है सहिष्णु है सदैव आत्मतुष्ट रहता है आत्म संयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है यहाँ पर फिर से अः जी का ही उदाहरण लिया गया है वे जब भगवान कृष्ण के घर आए द्वारका आए तब कृष्ण ने स्वयं उनके पैर धोए उनकी रानियों ने उनको पंखा झला उनो, रानियों ने उनके लिए खास व्यंजन बनाए तो ये सब दिखाता है कि किस प्रकार का भक्त भगवान को प्रिय है मिथ्या अहंकार से मुक्त ना, और अपने को किसी भी चीज का स्वामी नहीं मानता किसी भी चीज के प्रति स्वामी तो नहीं है क्यों क्योंकि सब कुछ तो किसका है भगवान का है स्वामी तो असली भगवान है भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर सुहृदम सर्वता तो भक्ति ये जानते हैं कि सब लोगों के प्राण स्वामी कौन है भगवान है तो मैं कहां से स्वामी हूँ ना ये मेरा घर मेरी जमीन ये जो स्वामित्व की भावना है ये मैंने क्यों रखनी है ये तो सबके स्वामी तो वो है है ना भगवान कृष्ण है ये जो जानता है ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है वो सदैव आत्मतुष्ट रहता है सहिष्णु है सहिष्णु यानी सहनशील है ना जैसे आम का पेड़ कहिए कोई भी पेड़ कहिए कितने सहनशील होते हैं उनके पत्ते तोड़िए उनके टहनिया तोड़िए कुछ भी फल तोड़िए लेकिन वे सहन करते हैं कुछ वो नहीं करते है ना किसी को तकलीफ देने के लिए कुछ भी नहीं करते हम उनकी लकड़ी तोड़ते हैं और वो हमें छाया देते हैं फल देते हैं तो उसे कहते हैं सहिष्णु ऐसा ही भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता जो सुख दुख में भय तथा चिंता में समभाव रहता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी कथा आती है यह है चित्र चित्र केतु महाराज जो ऊपर से आ रहे हैं चित्रकेतु महाराज की कहानी हम शॉर्ट में देखेंगे चित्रकेतु महाराज एक महान राजा थे बहुत महान राजा थे लेकिन उनके कोई पुत्र नहीं हो रहा था तो क्या हुआ कि उन्होंने बहुत तपस्या की बहुत प्रार्थना की और तब उनके पास दो ऋषि आए थे अंगिरा ऋषि और एक तो नारद मुनि आए तो उन, उनसे भी बहुत प्रार्थना की कि मैं सब कुछ है मेरे पास लेकिन मुझे एक पुत्र की चाहत है किसी भी तरीके से मुझे एक पुत्र चाहिए तो उन्होंने समझाने की कोशिश की कि, कि जो कुछ अपने भाग्य में रहता है कर्मों के कारण जो कुछ मिलता है उसी में हमें संतुष्ट रहना है लेकिन राजा माने नहीं 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 मुझे किसी भी प्रकार से एक पुत्र चाहिए तो उन्होंने उनको उन्हों आशीर्वाद दिया ठीक है आपके एक पुत्र हो जाएगा अब चित्रकेतु राजा की अनेक रानियां थी तो उनमें से एक जो सबसे उनको प्रिय थी या जो सबसे सीनियर थी उसको उन्होंने वो प्रसाद दिया और वो गर्भवती हुई और उनका बेटा हुआ तो अत्यंत आनंद से भरे एकदम बहुत आनंदित वातावरण हो गया तब उसी समय दो ऋषि आए फिर से अंगिरा ऋषि और नारद मुनि और उन्होंने बोला तो राजा ने पूछा मैं इसका नामकरण क्या करूं कैसे नाम रखूं इसका तो उन्होंने बोला इसका नाम रखिए हर्षशोक तो ये कैसा नाम हुआ तो बोले ये तुम्हारे हर्ष का भी कारण है और शोक का भी कारण बनेगा ठीक है तो ऐसा ही एक्चुअली हमारे जीवन में हर चीज जो आती है वो एक हैरी हर्ष लेकर आती है और फिर शोक भी देती है हर चीज का हम देख सकते हैं ठीक है तो हर्ष शोक ऐसे नाम रखा उस बच्चे का और फिर वो ऋषि चले गए तब हुआ क्या कि बाकी की जो रानियां थी ना वो अत्यंत ईर्ष्यालु हो गई उस रानी के प्रति और क्योंकि राजा हमेशा वो बच्चे के साथ रहना चाहता था और फिर वो नेचुरली वो बच्चे की माँ करके वो रानी के साथ ज्यादा समय बिताने लग गए राजा तो बाकी की रानियों को लगने लगा कि हमें तो ध्यान दे ही नहीं रहे हम तो बिल्कुल ही निगलेक्टेड अभी हो गए हैं तो सारी रानियों ने मिलकर एक कपट रचा और कुछ प्रकार से उस बच्चे को शायद जहर दिया और फिर उस बच्चे की मृत्यु हो गई और जैसे ही मृत्यु हो गई तब दोनों भी बहुत शोक में आ गए और रानी भी जो उस बच्चे की माँ थी और अत्यंत उससे शोक करने लगे तब उनको समझाने के लिए ऋषि आए और उन्होंने उन्होंने पूछा क्यों शोक कर रहे हो तो बोले कि देखो मेरा इतना प्रिय पुत्र एक ही पुत्र मुझे हुआ और वो उसकी भी मृत्यु हो गई तो नारद मनी बोले तो क्या चाहते हो तुम शोक तो हो रहा है तुमको क्या चाहते हो बोले किसी भी प्रकार मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए आप तो नर ने बोला देखो ऐसा तो होना नहीं चाहिए ऐसा नहीं होता है एक बार मृत्यु हो गई वो अपन है तो आप उसको तुमको सहन करना है इस बात को लेकिन राजा नहीं माने तब उन्होंने उसको पुत्र को जीवित कर दिया और राजा हर्षित हुए लेकिन हुआ क्या कि वो पुत्र जीवित हुआ और यहाँ वहां देखने लग गया तब राजा ने बोला अरे देखो हम तुम्हारे माता-पिता है देखो तुमको मतलब याद दिलाने के लिए तो वो बच्चे ने बोला मेरे माता पिता मेरे कौन से जन्म के माता पिता हो आप लोग मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे तो अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं और हर जन्म में मुझे अलग अलग माता पिता मिले हैं। तो आप मेरे कौन से जन्म के माता पिता हूँ मुझे याद नहीं आ रहा है तब राजा को समझ में आ गया कि ये जीवन कितना टेम्पररी है और हर योनि में हमारे जो संगी है हमारे परिवारजन है या जो भी साथी है वो हमेशा बदलते जाते हैं तो ये मेरा पुत्र यानी इसको करके कोई फायदा नहीं क्योंकि ये तो बहुत टेंपरेरी समय के लिए मेरा पुत्र बना है आगे आगे योनियों में सबके अलग पेरेंट्स होंगे सबके अलग बच्चे होंगे है ना तो ये मैंने जीत करके ठीक नहीं किया और फिर नारद मुनि ने बताया देखो इस ये बच्चा तो तुमको पहचान भी नहीं रहा है है ना कौन से योनि के माता-पिता है ये पूछ रहे हैं तो इसलिए इसको जाने दो तो इसका जो मार्ग है वो उसको प्रशस्त होने दो इस प्रकार फिर चित्रगुप्त चित्रकेतु महाराज को समझ में आ गया कि मैं जो जो देहात्म बुद्धि से प्रेम कर रहा हूँ इस बच्ची पर मेरा बच्चा करके ये ठीक नहीं है तब वे पूरी तरह से भक्ति में आ गए और इतने वो श्रेष्ठ भक्त बने कि वे उनको वैकुंठ तक प्रवेश मिलने लग गया तो देखिए विमान में बैठ करके के वे वैकुंठ की सैर भी कर रहे हैं और जाकर के विष्णु के दर्शन करके आ रहे थे तब हुआ क्या कि कैलाश पर शिव शिवजी और पार्वती जी बैठे थे उनके सामने अनेक ऋषि मुनि बैठे थे नारद मुनि स्वयं थे व्यास मुनि थे और शंकर भगवान जो है शिव जी जो है वे भागवतम की कथाएं बता रहे थे है ना एक प्रकार से भागवतम का क्लास ले रहे थे लेकिन क्लास लेते समय हुआ क्या कि पार्वती जी को उन्होंने अपने गोद में बिठा वो भागवतम बता रहे थे सारे ऋषि मुनि उनको कुछ भी उसमें अलग मतलब वो नहीं लगा कुछ भी आ, कुछ उसके ऑब्जेक्शनेबल ऐसा कुछ भी नहीं लगा वो ध्यान से कथा सुन रहे थे शिव जी बता रहे थे अब वहां से विमान जब जाने लगा तो चित्रकेतु ने देखा शिवजी इस प्रकार से बैठे और भागवतम बता रहे हैं तो उनको हंसी आई तब शिवजी ने भी ध्यान नहीं या किसी ने भी उसको ऑब्जेक्शनेबल नहीं समझा कि चित्र से चित्र केतु महाराज हंसे इस दृश्य को देखकर लेकिन पार्वती माँ को बहुत गुस्सा आया और पार्वती माँ ने उनको श्राप दिया कि तुम तो राक्षस बन जाओगे हाँ राक्षस योनियों में तुम पैदा हो जाओगे तुमने को इस प्रकार से तुम हंस रहे हो की कृति पर तो तुमको मैं श्राप दे रही हूँ तो कि उन्होंने वो श्राप भी बिल्कुल हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर पार्वती माँ को प्रणाम करके वो श्राप भी स्वीकार किया तो ये एक महान भक्त का लक्षण है कि, कि किसी बड़े ने कुछ उनको बोल भी दिया तब भी वो अविचलित रहे और उसे उन्होंने श्रद्धा पूर्वक ग्रहण किया तो यहाँ पर बताया जाता है जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता नहीं किया जाता जो सुख दुख में भय तथा चिंता में समभाव रहता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है तो जैसे चित्रकेतु महाराज कि वे किसी के द्वारा विचलित नहीं किए किए गए और उन्होंने किसी को कष्ट भी नहीं पहुंचाया सुख दुख में भय और चिंता में वे समभाव रहे ऐसे भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है जो न कभी हर्षित होता है न शोक करता है जो न पछताता है न इच्छा करता है तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है तो यहां पर हम देखते प्रह्लाद महाराज है ना प्रह्लाद महाराज कैसे थे अविचलित भाव से वो सारे ही घटनाएं वो ग्रहित करते थे जैसे उनके पिता उनको मारने के लिए कितने उन्होंने कितने प्रताड़ना की उनकी प्रहलाद महाराज की लेकिन जो भी पनिशमेंट मिले जो भी कष्ट मिले उसे वे एकदम शांत भाव से भगवान में चित्त समर्पित करते हुए वो सहन करते थे सब कुछ और उसमें शुभ अशुभ ये कुछ भी नहीं देखते थे सब कुछ उन्होंने परित्याग कर दिया ये ना तो शुभ है कि मुझे प्रेम मिले मेरे पिता से तो बहुत शुभ है और मुझे प्रताड़ना मिले मेरे पिता से तो बहुत अशुभ है इस प्रकार का कुछ भी विचार ना करते हुए वे रहते थे उनके ना तो इच्छा थी ना शोक थी कि कुछ प्राप्त हुआ तो शोक कर रहे हैं बिल्कुल नहीं तो इस प्रकार का भक्त भगवान बोल रहे हैं मुझे अत्यंत प्रिय है है ना जो मित्रों तथा तो शत्रुओं के लिए समान है जो मान तथा तो अपमान शीत तथा तो गर्मी सुख तथा तो दुख यश तथा तो सॉरी यश तथा तो अपयश में संभाव रखता है जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है जो किसी प्रकार के घर बार के परवाह नहीं करता जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। यहां पर किसका उदाहरण दिया गया है पता है? यह है महाराज महान भक्त थे महान भक्त थे तो वे एकादशी का व्रत जो है ना हर एकादशी को निर्जला व्रत रखते थे तो एक बार क्या हुआ आप लोगों सब को सबको पता होगा कि एकादशी का व्रत रखना भी इम्पोर्टेंट है और उसका ठीक समय से पारणा करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ठीक समय से अन्न ग्रहण नहीं किया तो एकादशी का के उसका फल प्राप्ति नहीं होती है तो ऐसा एक विधि विधि विधान है ठीक है तो क्या हुआ अम्बरीश महाराज ने एकादशी का व्रत रखा था निर्जला एकादशी का व्रत रखा था दूसरे दिन द्वादशी को उसका पारणा करना, करना है ठीक है तो क्या हुआ दूसरे दिन द्वादशी के दिन जब पारणा होना ही था मतलब होने के लिए कुछ समय ही बाकी था उसी समय दुर्वास मुनि आ गए अपने दस हजार शिष्यों के साथ तो ठीक है अम्बरीश महाराज ने उनका बहुत आदर सत्कार किया उनका स्वागत किया और हाथ जोड़कर विनती की कि महाराज मतलब दुर्वास मुनि के लिए बोल रहे हैं कि ऋषिवर आप हमारे साथ कृपया भोजन करें आप यहीं पर भोजन करें तो दुर्वास मुनि मान गए और बोले ठीक है मैं मेरे शिष्यों के साथ नदी पर जाकर स्नान करके आता हूँ करूंगा, भोजन करूंगा तुम्हारे साथ अब तो थे ये, तुरंत सारी कर अपने शिष्यों के साथ तो नदी पर गए वो जल्दी लौटे ही नहीं महाराज अम्बरीश राह देख रहे राह देख रहे क्योंकि वो पारना समय जो है वो निकला जा रहा था तो वो राह देख रहे कि किस ये आए और फिर उनके साथ बैठकर मैं अन्न ग्रहण कर सकूं पार्ण कर सकूं इसलिए रहा देख रहे थे लेकिन दुर्वसमुनि का कहीं आता पता ही नहीं था तो इनको चिंता होने लग गई क्या मेरा व्रत निष्फल चला जाएगा तो इसलिए उन्होंने अपने राजपुरोहितों से वगैरह सबसे सलाह ली तो सबने बताया कि महाराज आपने निर्जला व्रत किया है तो आप केवल एक बूंद पानी का ले ले क्यों इतनी समस्या थी क्योंकि ये ठहरे अतिथि तो अतिथि के पहले अन्न ग्रहण तो नहीं कर सकते अतिथि को पहले देकर ही कर सकते हैं इसलिए महाराज इतने पशुपेश में थे तो उन्होंने अपने पुरोहितों से पूछा तो उन्होंने बताया कि आप एक बूंद जल, जल का ग्रहण कर लीजिए अन्न ग्रहण ना करें क्योंकि आपने निर्जल व्रत किया है तो पानी से भी आप इसका पारना कर सकते हैं तो समय निकला जा रहा था इसलिए दूसरा कोई रास्ता था नहीं तो अंबरीष महाराज ने थोड़ा सा बूंद भर पानी ग्रहण किया हुआ क्या कि उसी समय दुर्वास्मनी आ गए और उन्होंने देखा कि अच्छा ये तो कुछ ग्रहण कर रहा है उनको आया बहुत गुस्सा और वो डोले तुमने मेरा अपमान किया है राजा मैं तुम्हें शराब देता हूँ तो गुस्से में आकर दुर्वास्मनी गुस्सेल बुश, तो थे ही दुर्वास्मनी है ना दुर्वास्मनी ने गुस्से में एक राक्षस निर्माण किया इस प्रकार का राक्षस निर्माण किया और उसे आज्ञा दी कि तुम इनका इनके प्राण ले अम्बरीश महाराज के अब वो राक्षस आगे बढ़ा लेकिन देखिए अम्बरीश महाराज उसमें भी अविचलित भाव से हाथ जोड़कर भगवान विष्णु की का स्मरण करने लग गए अब भगवान विष्णु कैसे होने देते है ऐसी अनहोनी अपने भक्त के साथ हाँ? तो भगवान विष्णु को गुस्सा आया कि ऐसे कैसे कोई मेरे भक्त को कष्ट दे सकता है तो उन्होंने उधर से सुदर्शन चक्र को भेजा कि जाओ उस राक्षस का अंत करके आओ जिन्होंने मेरे भक्त को कष्ट दिया है उनका विनाश करके आओ सुदर्शन चक्र आया उसने तो इस राक्षस को तो खत्म किया ही लेकिन दुर्वासमनी के पीछे पड़ गया क्योंकि दुर्वासमनि ने उस राक्षस को निर्माण किया था तू तो दुर्वासमनी घबराए और यहाँ वहां भागने लग गए अब दुर्गासमी तो भयं बहुत सिद्धियां प्राप्त किए हुए थे बहुत सिद्धि प्राप्त ऋषि थे है ना तो वे यहाँ वहां भागने लग गए कभी चंद्र लोग गए कभी सूर्य लोग गए दूसरे लोग गए इंद्र लोग गए सब जगह भागने लग गए लेकिन सुदर्शन चक्र उनके पीछे पीछे आता ही रहा अब तब तो वे विष्णु के पास भी गए वैकुंठ गए विष्णु के पैर पकड़ लिए और मुझे इस सुदर्शन, आपके सुदर्शन से बचाइए बोलने लग गए विष्णु बोले देखिए ये तो अब मेरे हाथ में नहीं है हाँ? क्योंकि एक बार निकला हुआ मेरा चक्र वापस नहीं आता अपना काम जब तक वो खत्म नहीं करेगा लेकिन तुम अम्बरीश महाराज से क्षमा मांगो अगर उन्होंने तुम्हें क्षमा किया तो सुदर्शन चक्र रुक जाएगा तो ये धड़ाम से फिर से धरती पर आए और अम्बरीश महाराज के पैरों पर गिर पड़े और बोले कि मुझे क्षमा करो मैंने बहुत बड़ा पाप किया है मुझे क्षमा करो तो अम्बरीश महाराज तो दयालु थे ही सहिष्णु थे ही तो उन्होंने तुरंत दुर्वास मुनि को बोला ऋषि मत करिए आप आ, मतलब, आप मतलब क्षमा मत आप तो हमारे लिए सदैव पूजनीय और इस प्रकार इन्होंने सुदर्शन चक्र को रोक लिया और तो ये कहानी आती है कि कैसे अम्बरीश महाराज के लिए मान अपमान शीत गर्मी सब में समभाव जो था है ना और ऐसे लोग दूषित संगति से मुक्त रहते हैं फिर ज्यादा कुछ बोलते नहीं है प्रजल्प नहीं करते हैं हा? और हमेशा संतुष्ट रहते हैं तो ऐसे भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है तो ये अम्बरीश महाराज की कथा सुनी, अब भगवान बोलते हैं ये आखिरी श्लोक है इस अध्याय का ये तो धर्म अमृत मिदम यथोक्तम पर परमा भक्तास्ते तीव में जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं वे भक्त मुझे अत्याधिक प्रिय है तो ऐसे भक्त जो अन, मतलब हमेशा भक्ति के अमर पाथ पथ का अनुसरण करते हैं जैसे यहां पर बताया है, ये भक्त हमेशा कीर्तन करते रहते हैं हमेशा स्मरण करते रहते हैं और पूरी तरह से भगवान में ही निमग्न है तो ऐसे भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है प्रभुपाद जी के कुछ शब्द देखते हैं इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता दूसरे शब्दों में धारणा लाभप्रद हो सकती है तो इम्पोर्टेंट क्या है शुद्ध भक्त की संगति तो तब तक वो निराकार की पूजा कर सकता है लेकिन जब वो शुद्ध भक्त की संगति में आएगा तब वो बदल जाएगा है ना परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त न हो सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे आत्मसाक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते भगवत गीता के मध्य के छह अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत हृदय क्या है हमें भक्तों की संगति में रहेंगे तब कहीं हमारी असली प्रगति हो सकती है केवल निराकार की धारणा केवल ध्यान केवल ज्ञान ये हमें आगे तक नहीं ले सकता भगवत भक्त की संगति में हम असली भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं तो यही इस अध्याय का सार है ने लिखा है हरे कृष्णा तो यह अध्याय खत्म होता है यहीं पर किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आ... अच्छा सब लोग क्विज कर रहे हैं क्विज कर रहे हैं ना सब लोग क्योंकि लेवल टू तुरंत ही चालू होने वाला है जी मतलब हाँ, बाईस तारीख से शायद से चालू हो रहा है लेवल टू हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्ण का मूल कारण क्या होता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं जी माता जी हमने दूसरे अध्याय में क्या देखा था ध्यान सायते संगात संजायते कामक कामा क्रोधो अभिजायत तो क्रोध क्यों आया है इन तीन स्टेप्स के कारण आया ये है चौथा स्टेप है क्रोध है ना चौथा स्टेप क्रोध है उसके पहले के स्टेप्स कौन से कौन से हैं ध्यायतो विषयान हम कोई विषय वस्तु यानी कोई इंद्रिय तृप्ति के वस्तु के प्रति आकर्षित होते हैं उसका ध्यान करते हैं कोई ना कोई वस्तु होती है अब उसमें सकी वस्तु भी हो सकती है जैसे हम मान चाहते हैं ध्यायतो वो भी एक विषय वस्तु भी हमारे मन को सुख लगता है है ना कोई हमें मान सम्मान देता है तो सुख लगता है तो वो भी एक विषय वस्तु ही हुई, हुई तो हम किसी से मान की अपेक्षा करते हैं वो नहीं मिला तो फिर क्या होता है हम उस उस नहीं के प्रति यानी उस अपमान के प्रति भी एक प्रकार से आसक्त होते हैं आसक्ति से तीव्र आसक्ति बदल जाती है ये मुझे सम्मान क्यों नहीं दे रहा है और फिर हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होता है ठीक है ना तो क्रोध के लिए पहले तीन स्टेप्स हमेशा रहती है बहुत सतल अवस्था में रहती सूक्ष्म अवस्था में रहती है लेकिन रहती है तो क्रोध जब आए ना तो हमने अपना सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए कि क्यों मुझे गुस्सा आ रहा है हां तब हम ओरिजिनल इस पर जा सकते हैं और वहीं पर अपने मन को जरा अनासक्त कर सकते हैं तो ये ये श्लोक इसलिए मैंने बताया था ना उस समय भी ये दो श्लोक आप लोग जरूर कंठस्थ करें जब भी अपने मन में ऐसे कुछ आ, मन विचलित होता है गुस्सा आने लगता है या कुछ होता है तो इन श्लोकों को याद कर करके हम कम से कम कहीं ब्रेक लगा सकते और माता जी भगवत संगति भी कारण हो सकती है ना अगर हमारे संग में ऐसे लोग हैं जो क्रोधी है और द्वेष में रहते हैं उनके साथ अगर हम हमारा संग है तो उस कारण भी हमारे मन में वैसे भाव आ सकते हैं हम भी क्रोधी स्वभाव के हो सकते ये भी कारण है ना संग बिल्कुल हो सकता है बिल्कुल हो सकता है और इसीलिए तो संग बहुत इम्पोर्टेंट है आप किस व्यक्ति के संग में हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भक्तों की संगति में रहेंगे तो हमारे मन में बहुत परिवर्तन होगा और वो ही अभक्तों अच्छा की संगति में रहेंगे तो भी हम पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा है ना जी माता जी जी माता संग तो बहुत ही महत्वपूर्ण है जी जी माता जी धन्यवाद माता जी हरे कृष्ण का नाम माता जी जैसे आस्तिक हो गया कि भगवान को मानने वाले लोग है ना हम नास्तिक हो गए जो भगवान को मानते नहीं है, है ना जी जी और इसमें ये समझ लें कि आस्तिक भी दो तरह के हो गए एक तो निराकारवादी ब्रह्म को मानने वाले और एक साकारवादी ब्रह्म को मानने वाले साकारवादी तो भगवान ये हो गए जो भगवान का रूप रंग सब जानते हैं है ना भक्ति में जैसे भगवान का आकार है जी. और निराकारवादी निर्गुणवादी एक ही हुए ना हाँ निराकारवादी निर्गुणवादी एक ही हुए, हुए. कि ना, तो, तो, तो है ना? वो मतलब भगवान को मानते तो हैं लेकिन हाँ. कहते हैं कि इसका आकार नहीं है हाँ, ना? Exactly, हाँ. ना कोई आकार है ना कोई गुण है ना कोई रूप मायावादी मायावादी भी वही हुए क्या निराकारवादी मायावादी देखिए वो वो क्या वो बोलते हैं कि हम में और भगवान में कोई अंतर ही नहीं हम ही भगवान अच्छा। है में और भगवान में क्या अंतर है हम ही भगवान बन जाएंगे अद्वैतवादी मतलब वो लोग अद्वै, और... अद्वैतवादी लो होते, अद्वैत होते करेक्ट एकदम करेक्ट अद्वैतवादी मुझमें और भगवान में कोई अंतर नहीं हम भक्ति करेंगे और हम उनमें मर्ज हो जाएंगे इस प्रकार सायुज उसमें जाएंगे है ना उनमें मर्ज हो जाएंगे ये जो है वो मायावती है लेकिन हम लोग क्या मानते हैं हम लोग मानते हैं कि हमेशा भक्ति के लिए भक्त भक्ति और, और भगवान तीनों की आवश्यकता है है ना तब कहीं जाकर भक्ति पूर्ण होगी कि मैं भी हूँ भगवान भी है और हमारे बीच का रिश्ता रिश्ता जो है वो भक्ति का है तो ये तीनों की आवश्यकता है लेकिन वो लोग क्या है वो मर्ज होने होना चाहते भगवान में एक रूप होना चाहते वैसा हम नहीं चाहते और आपको याद होगा दूसरे अध्याय में भगवान ने बोला भी है नत्वे वा हम जातु नासम नत्वम ने में जनादिपा यानी ना ऐसा कभी समय था कि मैं और तुम और ये राजा लोग नहीं थे और ना कभी ऐसा समय आएगा जब तुम मैं और ये राजा लोग नहीं रहेंगे यानी क्या कि हर एक की आइडेंटिटी अलग अलग है है ना ये भगवान ने दूसरे अध्याय में बता दिया है ठीक है ना नत्वम ने में जनाधिपाह धन्यवाद माता जी।, जी, क्रिण। जी हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण धन्यवाद हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी एक बार फिर से अनंत भक्ति और साधना भक्ति ये आप बता सकते हैं जरूर बता सकते हैं चलिए बाप जी जी जाते हैं वापस थोड़ा ये है अनन्य भक्ति एक मिनट ये अनन्य भक्ति क्या बोल रहे भगवान कि मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगा तो अपने चित्त को स्थिर करने के लिए अपनी सारी एक्शन वगैरह सब कुछ वहीं पर अपने आप हो जाएगी है ना जब हम भगवान के प्रति चित्त को स्थिर करेंगे अपनी बुद्धि भी उनमें ही लगाएंगे तब सब क्या हो जाएगा हम जो भी करेंगे वो सब कुछ भगवान के लिए ही करेंगे है ना हर एक्शन हमारी होगी भगवान को प्रसन्नता दिलाने के लिए जो भी एक्शन होगी वो केवल उनकी प्रसन्नता के लिए होगी वो है अनंग्य भक्ति बाकी कुछ करेंगे ही नहीं जो करेंगे उनकी प्रसन्नता के लिए तो भगवान बोलते इस इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझमें सदैव वास करोगे एवरी एक्शन फॉर भगवान हाँ ठीक है ये हुआ और फिर ये नहीं हो सकता अथ चित्तम समाधा तुम नशकनोशी मई स्थिर अगर तुम अपने चित्त को स्थिर नहीं कर सक रहे मुझ में कोई बात नहीं तब तुमको क्या करना है उसकी प्रैक्टिस करना है, में, में चित्त करने की प्रैक्टिस, करना है। प्रैक्टिस कैसे करोगे विधि विधानों का पालन करके तब जाकर विधि विधानों का पालन करते 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 हमारा चित्त उनमें स्थिर हो जाएगा यानी हम साधना भक्ति से आगे बढ़ जाएंगे अनन्य भक्ति की ओर ठीक है ना माता धन्यवाद माता जी धन्यवाद माता जी हरे कृष्ण माता जी एक और हरे कृष्ण माता जी एक और प्रश्न है एक ग्रहणी के लिए हाउसवाइफ के लिए जैसे आपने डिटैचमेंट वाला बताया था ना जी कि एक अटैचमेंट होता है डिटैच तो हाउसवाइफ कैसे डिटैच हो सकती है तो परिवार की देखना ऐसे प्रभु में जी जी क्योंकि तो तो परिवार तो तो हमको हर क्रिया जो अपनी है जो काम कर रहे हैं जैसे हम खाना बना रहे हैं तो कृष्ण को मन में रख के बनाने की मैं ये बना रही हूँ कृष्ण के लिए हाँ मेरे परिवारजन है जो कृष्ण के ही दिए हुए हैं मुझे है ना तो हर एक में जब हम परमात्मा का वास देखेंगे तो हम पहला रिश्ता हमारा कृष्ण से दूसरा रा, रास्ता ये कृष्ण का बेटा है जो मुझे सौंपा गया है देखभाल के लिए ये ऐसा इन, ऐसा रिश्ता बनेगा ये मेरा बेटा डायरेक्टली है अगर है हम सोचेंगे तो हम उस पर स्वामित्व जताएंगे, कि उसके आएगा तुमने मेरे लिए ये करना चाहिए अपेक्षाएं आएगी लेकिन अगर हम सोचते हैं कि ये कृष्ण का बच्चा है और कृष्ण ने मुझे सौंपा है उसकी देखभाल करने के लिए उसका पालन पोषण करने के लिए कृष्ण ने सौंपा हुआ काम है तब हम क्या करेंगे कि उस दृष्टि से उससे अपेक्षाएं नहीं करेंगे हम उसको प्रेम देंगे हम उसकी मतलब उसके अच्छाई के लिए सब काम करेंगे एट द सेम टाइम ये कृष्ण का बच्चा है इसको अच्छे संस्कार भी देना जरूरी है क्योंकि नहीं तो कृष्ण नाराज हो बीच में जब भी कृष्ण आएंगे तो हमारे सारे रिश्ते शुद्ध हो जाएंगे करना कठिन है थोड़ा कठिन है लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से यही है ना विधि विधानों का पालन करते हुए ये मन में विचार रखते हुए अगर हम रिश्ते को देखेंगे हर रिश्ते को देखेंगे तब हम वो रिश्ता भी शुद्ध होता जाएगा और फिर क्या होगा कि हमारी जो अपेक्षाएं रहती है उसके कारण जो हम उसको तनाव में रखते हैं उसको भी रखते हैं और हम भी रहते हैं तो वो खत्म हो जाएगा है ना उसके बाद हम सोचेंगे अच्छा मेरे मैंने इतना इसको बताया फिर भी ये नहीं कर रहा है तो कृष्ण की इच्छा मैं तो अपना कर्तव्य पूरा कर रही ठीक है ना तो अपेक्षाएं हमारी खत्म होती जाएगी तो हमको हर रिश्ते को देखना चाहिए ठीक हरे कृष्ण माता जी माता जी माता एक क्वेश्चन उन्होंने अभी जब एक पूछा था क्रोध क्रोध हम कैसे स्नान कर सकते हैं जैसे भक्तों का संग है अब परिवार में ही जब क्रोध की सिचुएशन हो तो हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उस चीज को हैंडल कैसे कर सके अपने अंदर क्रोध को कैसे शांत कर सके हाँ तो ये ये सोचना चाहिए कि हाँ उनका मन विचलित है लेकिन उस उनका जो विचलित हुआ मन हमें ना अफेक्ट करे इसके लिए हमको थोड़ा सा रेनकोट जो बोलते हैं ना बरसात में रेनकोट पहन कर जाओ तो हम गीले नहीं होते तो हमारा मन एकदम उस समय जैसे प्रहलाद महाराज इतना सब कुछ कष्टमय वातावरण था वो विचलित हुए क्या नहीं क्योंकि उनका मन भगवान में था तो हमारा मन भी भगवान में रहेगा तो हम विचलित नहीं होंगे ना है ना तो वातावरण तो रहेगा आजू बाजू में लेकिन हम अगर रेनकोट पहने हैं भगवान नाम का रेनकोट पहने हुए हैं भगवान की भक्ति का रेनकोट पहने हुए हैं तो हम विचलित नहीं होंगे ये नहीं। है तो मैं बोल रही हूँ लेकिन ये करना कठिन है लेकिन होता है हो सकता है इतना दृढ़ विश्वास रखिए धीरे 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 होगा लेकिन होगा जरूर जी धन्यवाद माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण बोल रहे हैं हरे कृष्ण माता जी भजन और कीर्तन में क्या अंतर होता है भजन और कीर्तन में ऐसा कोई खास अंतर तो नहीं है कीर्तन लेकिन एक ही प्रकार का होता है जैसे एक ही शब्दों को लेकर होता है हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे है ना इसको रिपीटेडली बोलेंगे तो उसको कीर्तन बोलेंगे भजन में हम भगवान की स्तुति करते हैं अलग-अलग शब्दों से भगवान की स्तुति करते हैं उनके बारे में वर्णन करते हैं ये होता है बेसिकली है ना और मंत्री जी आपने जो चरण बताए थे वंदन पाद अर्चन हाँ, तो वो एक बार और बता लेंगे और उसकी व्याख्या मुझे कहा मिल सकती है उसकी व्याख्या कहाँ मिल सकती है भगवत गीता में ही आप अगर पढ़ेंगे तो को, कोई जगह पर है कहां पर है मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन है तो उसके नवधा भक्ति बोलते हैं उसके नौ चरण बोलते हैं उसको तो सबसे पहले श्रवणम मतलब ना, चैप्टर में है नाइन्थ चैप्टर में ओके ओके देखिए आपको मिल गया उत्तर नाइन्थ चैप्टर में है जो प्रभुपा जी ने तात्पर्य लिखे है ना उसमें आपको मिल जाएगा तो सबसे पहले है श्रवणम कीर्तनम स्मरणम हाँ तीन हो गए फिर अर्चनम वंदनम सॉरी अर्चनम वंदनम पाद सेवनम ताश्चिम साख्यम आत्मनिवेदनम ऐसे नौ है हाँ दस जी माता हरे कृष्ण धन्यवाद हरे कृष्ण हरे कृष्णा माताजी प्रश्णा। एक प्रश्णा है। हाँ माता जी मतेजी मतेजी अभी भजन किया था उसमें भी आए थी नवदा भक्ति है ना है ना हाँ बराबर आप आपने जो भजन किया था उसमें आया था जी नीति माता जी बोलिए हाँ, माता जी मेरा एक प्रश्न है हम एकादशी का फास्ट रखते हैं और एक ही टाइम खाते हैं और मेरे चार पांच साल हो गए पांच साल हो गए हैं कोरोना से एक साल पहले रखा था अच्छा तो फिर हम मतलब एकादशी पर अगर दान देना चाहे तो क्या क्या चीजों का दान दे सकते हैं हैं कुछ लोग बोलते अन्न का दान नहीं देना चाहिए और हाँ, कुछ लोग बोलते हैं फ्रूट का दान देना है लेकिन हमारे जो जहाँ पे हमारी पैदाइशी है कुरुक्षेत्र वो अन्न का दान इसलिए देते थे ताकि द्वादशी में भगवान के लिए अवन बना सके और अन्न की कमियां ना हो अच्छा। इसीलिए तो आप मेरा डाउट दूर करिए तो मुझे क्या करना चाहिए या थोड़ा थोड़ा दोनों दे देना चाहिए जैसे पंडित जी आते हैं सुंदर कांड का पाठ करने मेरे घर पे आते हैं और हम सत संकीर्तन में करते हैं संकीर्तन में तो चलो हम मनी चढ़ा देते हैं फल चढ़ा देते हैं और वो चढ़ा देते हैं लेकिन पंडित जी को क्या हम दोनों दान दे सकते हैं जी दान तो दे सकते हैं दान देने में कुछ मुझे लगता है, हाँ, ये कुछ नहीं है। वो मैंने सुना नहीं, नहीं है का हाँ, का एकादशी फास्ट रखते हैं हाँ, तो, तो, पका, हम पका हुआ ना दान नहीं करते हैं नहीं ऐसा, ऐसा मैं, कुछ है क्या पता नहीं माता जी ये तो मैंने कभी सुना नहीं है दान तो दान होता है है ना ग्रहण करने वाला ग्रहण जो करना चाहे दान लेकिन दान देने का भाव मन से भी होता है और दान लेने वाले का भी मन देखा जाता है और दान देने वाले का भी लेकिन मैं मेरा भर्त का है लेकिन मैंने बचपन से आखिर तक जब देखा है एकादशी में वो अन्न का दान करते थे ताकि द्वादशी में हमको चीजें बनाने के लिए भगवान हमारे लिए मतलब कोई कमी ना छोड़े हम, हम भगवान के लिए अच्छा अच्छा खाना बना सके जी बिल्कुल दूसरा मेरा प्रश्न है माता जी एक और है कि जैसे हमारे परिवार में ही मतलब हमारे मतलब रिलेशन मतलब जो भगवान ने हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बनाया है और जो बाई मतलब चांस करते हैं उनको समझा के भी बहुत साल मतलब काफी मतलब उनका तीन चार साल हुए मतलब समझा समझा के वो हो गया लेकिन कंट्रोल तो है मतलब चीजें तो है लेकिन छूटना कैसे छूटने के लिए हम लोग सिर्फ भगवान का ही स्मरण कर सकते बस और तो कुछ नहीं कर सकते माता जी है ना और कुछ नहीं कर सकते नहीं। कि भगवान जैसे आप बोले के लिए, हाँ, आप प्रसाद प्रसाद तो हम उन्हें से ही खिला हाँ, वो बहुत ही, वो ही, वो ही। मतलब बहुत बड़ी पोस्ट पे है मतलब ऐसा है सी ए सी एफ है बॉम्बे में ही है एच डी एफ सी तो मतलब मैं क्या चाहती हूँ कि भगवान उनको भी एक हमारे बस भगवान से यही प्रार्थना करिए कि उनके मन में उस चीज के हमारे प्रति घृणा आने उत्पन्न हो आप बोले कि वो बुरी संगति के ही कारण हाँ। मतलब वो विचलित हाँ, हो जाते हैं हाँ। और फिर हम फिर भगवान की शरण में जाते हैं एकदम से मतलब स्कॉन के दर्शन करने आते हैं ठीक है ठीक है हो जाएगा भगवान से प्रार्थना करिए और क्या ठीक है माता जी जो हम ये रहते हैं मतलब ये जो आपको मतलब क्विज़ करके दे रहे हैं इसमें हमारा आपका नाम रजिस्टर होता है मैंने पांच तीन अध्याय के किए तो आपको तीन अध्याय के मिले हैं ऐसा कुछ रजिस्टर होता है हमको पता कैसे लगेगा कि हमने क्विज़ किया है तो सर्टिफिकेट कैसे आएगा वो अपने आप आ जाएगा माता जी वो सॉफ्टवेयर किया हुआ है वो आपका आंसर राइट आएगा तो आपका अठारह अध्याय के बाद अपने आप वो जनरेट हो जाएगा छह बजे ही चलेगा नहीं उसका में, टाइमिंग अभी पक, पक्का नहीं हुआ वो भी चार इसमें चलेगा चार बार चलेगा दिन में अलग अलग टीचर्स रहेंगे चार बार होगा दिन में तो, तो वो लोग हमको एक साथ ही जो अपने आप ही आप हमारे गुरु बना दोगे हाँ हाँ अपने आप, तो आप जोड़ना पड़ेगा आपको नहीं तो नहीं आपको टाइम सुटेबल कौन सा है वो देखना पड़ेगा जैसे आप रजिस्टर करोगे सेकंड लेवल के लिए तब आपको टाइम आपका सुटेबल कौन सा है उस अनुसार आपको चूज करना पड़ेगा फिर उस समय का जो टीचर है हाँ। वो आपको पढ़ाएंगे तो सेकंड लेवल की इसी ग्रुप में आएगी इसी ग्रुप में आ जाएगी सिर्फ आप इस ग्रुप से बने रहे और आप सर्टिफिकेट जनरेट होने दे फिर आपको इसी ग्रुप में सब इन्फॉर्मेशन आती रहेगी सर्टिफिकेट में अगर प्रॉब्लम होगा तो फिर आप हमारा मतलब हाँ, और देने का प्रयास करेंगे क्षमा ख्ष, ख्ष, है ना तो उनको आप बता दीजिएगा अगर जनरेट नहीं हुआ तो तो फिर वो सॉफ्टवेयर में ईमेल पर जनरेट होता है मैडम ऑनलाइन वो आ जाता है डाउनलोड करना पड़ेगा आपको उस वेबसाइट डाउनलोड जहाँ पे आप, पुछ आप पुछ करते हैं वहीं पर आ ओके मैम थैंक यू हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी मेरा एक प्रश्न है ये जिस सेकंड लेवल का हमारा स्टार्ट होगा अध्ययन तो मॉर्निंग टाइमिंग रहेगी ना ये जो अभी वाली टाइमिंग है छह से सात वाली मेरे ख्याल से तो रहनी चाहिए चार बार है तो रहनी तो चाहिए पता नहीं मुझे आ, आपको मिल जाएगा वो इन्फॉर्मेशन ठीक है जी माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हाँ चलिए तो आज के लिए इतना ही काफी है अनिता माता जी आपने पूछ लिया ना प्रश्न जी नहीं हरी कृष्ण माता जी माता जीवन नहीं करे माता जी कैसे हम प्रश्न लिखेंगे हमको नहीं पता है चालू नहीं किया आपने आप चाहिए क्विज लिंक बार बार डालती है क्षमा माता जी उस लिंक पर चाहिए आपने जो ईमेल से लॉगिन किया था पहले रजिस्टर किया था उस ईमेल से आप लॉगिन करिए वहां पर आपको क्विज मिलते जाएंगे चैप्टर वन चैप्टर टू सब मिलते जाएंगे उसको आपको सॉल्व करना है ठीक है किस माता जी को करेंगे हाँ किस माता जी को करेंगे माता जी मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा मैं आपको पर्सनली लिंक भेज दूंगी माता जी अपना नंबर आप, अप, आपका नंबर तो मेरे पास नहीं है उसमें होगा ना ग्रुप में होगा ना ग्रुप से मिल जाता है अच्छा माता जी देखते हैं ग्रुप से मिल जाएगा ना आपको हरे कृष्ण माता जी हाँ हरे कृष्ण चलिए तो आज का सत्र हम यही खत्म करते हैं वाचा कल्पतरोभ्य कृपा सिंधुभ्य पति पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम अनंतकोटिवैष्णववृंद की जय श्रीला प्रभुपाद की हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण माताज प्रणाम हरे कृष्ण